दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप उम्मीद होगा आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू चने की सब्जी। और देख लीजिए इसमें क्या क्या सामान पड़ते हैं। देखिए, आलू को मैंने बॉयल कर लिया है और चना को भी बॉयल कर लिया है। इसे मैंने चार सीटी लगा दिए हैं। और इसके लिए सामग्री चाहिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, तेज़पत्ता, और मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा भी ले लिया है। और मसाले के लिए चाहिए ये चीज़ें: लहसुन, जीरा, काली मिर्च, शिमला मिर्च, हल्दी पाउडर। अब मैं दोस्तों बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। इसमें डालूँगी अब मैं जीरा, तेज़पत्ता और हरी मिर्च। इसको हम फ्राई करेंगे। तब तक मैं मसाले को तैयार कर रही हूँ, मैं पीस ले रही हूँ इसको। इसमें मैंने हल्का पानी ले लिया। अब इसको मैं पीसने जा रही हूँ। मेरा मसाला तैयार हो चुका है, देखिए, देख सकते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी प्याज। प्याज को भी मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। इसमें मैं सब्जी के अनुसार नमक डाल रही हूँ। आप अपने सब्जी के अनुसार नमक डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा प्याज हो चुका है। अब इसे मैं डालूँगी मसाला, मसाला जो मैंने पीसे थे, मसाला डाल रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल दूँ ताकि अच्छे तरह से मसाले इसमें आ जाएं। अब इसको मैं मसाले को फ्राई करूँगी। अब इसमें मैं टमाटर डालूँगी। मेरे पास एक ही टमाटर था, आप इसमें सब्जी के अकॉर्डिंग टमाटर डाल सकते हैं। मेरा मसाला हो चुका है और इसमें मैं डालूँगी चना, और इसमें मैं डालूँगी आलू। अब दोनों को मैं मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, सब्जी का कलर कितना देखने में यम्मी लग रहा है। मेरा मसाला हो चुका है और अब मैं इसमें डालूँगी पानी। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग सब बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा सब्जी हो चला है। देखिए मेरा सब्जी तैयार, अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।